ओके, ये देखिए, ये तू चुप रहे, तू चुप, मैं देखा था यही उनका मैटर डिसीजन क्या चल रहा है कोर्ट में, जहाँ कल 9 तारीख को डेट भी सुन गई, उनका मैटर कोर्ट में चल रहा है। उनका था कि जब तक कोर्ट से जो आदेश आएगा मैं उसको सर्वोपरि, कोर्ट कहेगा गेट आउट तो मैं बाहर, कोर्ट कहेगा अंदर तो मैं अंदर, कोर्ट जब तक आदेश नहीं देती मैं यहाँ से नहीं। बीच में आए भी थे एक महीना पहले, वो रखे भी गए, मैंने रखे भी गए। अब ये बाबू साहब 5 लाख 5-6 लड़कों को लाके, 5-6 लड़कों को लाके उन्होंने ताला तोड़ा, सामान बाहर रखा, अब नया ताला लगा के दौरान उनके कमरा का ताला तोड़कर सामान को बाहर फेंक दिया गया। संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अनुसंधान किया गया। कितने लोगों को आरोपित किए? अब ये तो जांच से पता चलेगा। ठीक, थैंक यू। इस तरह की घटना गुरुद्वारा कितना असुरक्षित है, इस तरह को देखते हैं सुरक्षा के इतने इंतजाम किए गए हैं? ये तो जैसे ये तो प्लान वे में किया गया है, जिस तरह से टीवी में वो सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि वो तार लगा के बैठा हुआ है, लड़के लोग देर वेटिंग किसी का इंतजार कर रहे हैं, जब कोई आदमी गैप भी है और फिर वो काट भी रहे हैं लूट चोरों की तरह, ऐसे ऐसे उन लोगों का बिहेवियर हो रहा है। तो सो हमने वो रिपोर्ट तो हमारे सब उनकी पिक्चर सब दे दी है उन लोग को, पुलिस को मिल गई होगी सबकी, तो वो अपने आखिर कौन लोग हैं जो गुरुद्वारे में पड़े, उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया? वो तो पता चला कि वो निकल भी गए और लग जाएगा पता कौन सा है। और क्या लग रहा है, प्रबंधक कमेटी से भारी चूक हुई है? प्रबंधक कमेटी कहिए कि अब ये इन लोग ने ध्यान नहीं दिया ऊपर में, क्योंकि आया ये ऊपर में रहे तो वहाँ जैसे जथेदार साहब रहते हैं, इसलिए वहाँ कोई जाता ही नहीं है। जब ये पता चलता है शाम को तब जाके ये पता चला कैसा सा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा सैकड़ों की संख्या में लगे हुए गुरुद्वारा की सुरक्षा के लिए, इसके बावजूद भी घटना 10 मार्च को घट जाती है, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? कार्रवाई तो हुई हुई है, कार्रवाई तो उसी दिन ही रिपोर्ट चली गई थी। जिसने ताला को काटा उन्होंने स्वीकार कर रहा था बार बार, वो तो फरार हो गया था। जहाँ तक जब हम लोग आगे जब एक्शन में आए थे, हम लोग आए तब तो हम लोग पता चला की बात भी है ही नहीं यहाँ पर। अब क्या ज्ञानी अकबाल सिंह आए, उनको ठहरने के लिए क्या उसी कमरे में दिया जाएगा कि क्या क्या आगे का रणनीति? ठहरे हुए यहाँ रह रहे हैं, उनका सामान अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है, ग्रंथ है इस तरह का आखिर बरामदे में, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत गलत बात हुई है, ये तो जहाँ जहाँ जब तो पुलिस का क्या कहती है। प्रबंधक कमेटी की तरफ से क्या व्यवस्था? प्रबंधक कमेटी की तरफ से हम लोग की मीटिंग हो रही है, परसों प्रधान जी भी आ रहे हैं, तो अब क्या डिसीजन ये लोग लेते हैं अब उसी हिसाब से उसको लिया जाएगा। मैं क्या बोलूँगा, आप इनसे मुझे कितने कहने पर है तोड़ा, किसके कहने पर आपने किया? आप सुनो, अब आप मेरी उनको लेकर चलिए, उनको लेकर चलिए, मैं चल पाऊंगा, चलो पहले लेके चलो। नहीं नहीं दस दो तोड़ा क्यों, लेके चलिए, चलो नहीं नहीं तुम पहले तुम गल नहीं नहीं लेके चलो, नहीं नहीं पैसे लेके चलो, पहले लेके चलो सब ठीक, लेके चलो सर पहले। अरे भाई हो गया, बोलिए ना भाई, आप ऐसा है सर, ये जितने भी जो भी सामान है कोर्ट में केस चल रहा है, जत्थेदार की अपॉइंटमेंट का कोर्ट में केस ये चल रहा है कि एक आदमी ने केस डाला कि जत्थेदार जी ने इस्तीफा दिया, कमेटी ने इस्तीफा मान लिया, स्वीकार कर लिया और नया जत्थेदार बना दिया। ये कोर्ट ने गलती करी, किसी ने केस डाल दिया, किसी आदमी ने, पुराने जत्थेदार जी ने नहीं डाला, ज्ञानी इकबाल सिंह ने कोई केस नहीं डाला, एक कोई मनमीत सिंह है उन्होंने केस डाला कि जी इसका इस्तीफा गलत स्वीकार कर लिया। मुझे कहानी नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्यों तोड़ा, मैं बता रहा हूँ, मैं वो उस बात कह रहा हूँ, उस बात में आ रहा हूँ, जो केस चल रहा है कोर्ट ने स्टे नहीं करा,
कोई सटे नहीं है। कोर्ट में वो सब कहानी नहीं चाहिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये ताला किसने तोड़ा, किसके अनुमति से टूटी है। ये ताला मैंने तोड़ा है जी। आपने तोड़ा है? मैंने तोड़ा है, और इसलिए तोड़ा है कि ये गुरुद्वारा साहब की प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के खजाने से बनी हुई है, संगत का पैसा लगता है। कोई एक आदमी इसको ताला लगा के 2 साल से बैठा है, क्यों जी बताओ क्यों बैठा है? तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब जो 35 साल से बतौर जथेदार सेवा निभाते आ रहे हैं, वो हमारा आवास तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब में है। तो हमें इस चीज़ का पता चला कि जो कार्यवाहक जथेदार यानी रणजीत सिंह गौरे मस्कीन, उसने एक आदमी को बुलाया है जिसका नाम डॉक्टर बलराम सिंह है, और उसके साथ मिल करके हमारे कमरे का ताला तोड़ करके सब सामान बाहर फेंका, जिसमें बहुत कीमती धर्म ग्रंथ हैं और जो भागवत गीता का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह जी ने किया हुआ है, गोविंद गीता उसकी 600 प्रतियां करीबन हैं, वो सब पैरों में फेंका है, और गुरुवाणी के ग्रंथ भी पैरों में फेंक करके नीचे फेंका हुआ है, और वहाँ अपने आराम से घूम रहे हैं, और हमारा बहुत कीमती सामान सब बाहर फेंका हुआ है। किस तरह के आभूषण थे? अब बच्चों के आभूषण सब पूरा पता चलेगा, बाद में देखेंगे क्या क्या है, तो बच्चों से पता चलेगा ना क्या क्या है। तो बच्चों के जो लेडीज के हमारी पुत्र बहू है, तो उसके जो बेटे की बहू है, उसके जो भी है वो पता चलेगा। कृपाण की बात कर रहे हैं? एक कृपाण थी वो हम हाथ में रखते हैं, एक छोटी कृपाण थी, उसको हमने किसी ने हमको दिया था, बहुत ही 1 लाख से भी ज़्यादा उसकी कीमत है, उसको पूरा सोने से बनी हुई थी, तो वो हमको दिया था, अभी आप इसको पहन के रखिएगा। वो भी यहाँ पर हम तो कुछ सामान लेके नहीं गए, सब सामान हमारा यहाँ था अंदर, हमारा जो धर्म ग्रंथ का अलमारी वो भी तोड़ा गया है, उसमें कितना कीमती ग्रंथ था वो भी निकाला गया है, हमारे कीमती चोले थे जो वस्त्र हम पहनते हैं, बहुत कीमती वर्दी होता है, वो भी सब अंदर से निकाला गया है। अब देखने पर पता चलेगा कितना कितना सामान हमारा गायब है। इस मामले में क्या? तो इसमें है कि हमने तुरंत वहाँ से FIR का जो अपना तुरंत वहाँ से एप्लीकेशन लिखा, और FIR के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, मेल किया, सिटी चौक थाना में भी मेल किया, SDM साहब को, DM साहब को, और लॉ एंड ऑर्डर ADM को भी किया, और जिला जज साहब को भी किया, जितना केस चल रहा है हमारा स्टेडियम जो हमारे हैं। तो तुरंत फिर हम यहाँ पहुँचे 10 तारीख को शाम को, तो हमारा भेंट शाम को हो सका, शिवरात्रि पूजा की वजह से नहीं हो सका। तो रात को जब हमारा भेंट हुआ तो जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने हमारा FIR लिया है और हमको आश्वासन दिया है कि ऊपर जल्द कार्रवाई होगा। तो प्रबंधक कमेटी की तरफ से क्या लगा? प्रबंधक कमेटी से जब हमने बात किया भी आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया, तो उनका हम भी लिख कर देते हैं, तो उन्होंने भी लिख कर थाने में दिया हुआ है, भी उसका डॉक्टर का नाम दिया है, जो क्या नाम उसका बलराम सिंह, और एक कोई हरतेज सिंह नाम साथ में दिया हुआ, 2 आदमी का नाम दिया है जनरल सेक्रेटर ने। इतना 35 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, इस तरह से सुरक्षा गुरुद्वारा में पहले कभी नहीं देखो, किस तरह से देखते हैं? और देखो ऐसा हम तो हैरान है, हमारा ताला जो जिस कटर से हमारा ताला काटा गया, एक तो हैरानगी की घटना है, कल सुबह 3:30 बजे इसी रणजीत सिंह गौहर ने तखत श्री हरिमंदर जी का ताला भी उसी कटर से काटा है।